रायबरेली पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद इस रिटायर्ड दरोगा को देखिए, जिनका नाम वासुदेव यादव है। 2012 में सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर्ड हुए हैं। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के भगवान बक्स खेड़ा गांव के रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि इनके मकान पर कुछ लोगों ने 26 अक्टूबर 2019 को कब्जा कर लिया है और जब शिकायत लेकर थाने पर पहुंचे तो थाने पर इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यही नहीं, थाने पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने कई बार चक्कर लगवाया, अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। पीड़ित रिटायर्ड दरोगा की माने तो जब हम जैसे पुलिस विभाग में रहने वाले लोगों की सुनवाई थानों पर नहीं हो पा रही है तो आम जनता को कैसे न्याय मिलेगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो लखनऊ में बैठे उच्च अधिकारियों से भी न्याय की गुहार लगाऊंगा। आरोप यह भी है कि थाने के SI श्री बाबू विपक्षियों से पैसा लेकर खड़े होकर उसके मकान में ताला डलवा दिया। यही सभी के सामने उसका महिला ने कॉलर भी पकड़ लिया, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उसका कहना था कि पुलिस ने जनता न्याय की आस ना रखे, जब मैं दर दर की ठोकरें खाने के मजबूर हूं तो आम जनता इन भ्रष्ट कर्मियों से बिल्कुल न्याय की उम्मीद ना करे। इधर खीरो प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार सिंह की माने तो रिटायर्ड दरोगा ने हमसे मुलाकात नहीं की है, अगर मुझसे आकर मिलते हैं तो न्याय जरूर मिलेगा। रायबरेली से ब्यूरो हर्षित द्विवेदी की रिपोर्ट। मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर वासुदेव यादव, ग्राम भगवान बक्स खेड़ा, थाना खीरो, जनपद रायबरेली का रहने वाला हूँ। 2012 में पुलिस विभाग से सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर होने के बाद मैंने अपना मकान PGI कल्ली में बना लिया और वहाँ रह रहा था। घर में यहाँ ताला लगा हुआ था, उस ताले को तोड़कर भाई के परिवार ने कब्जा कर लिया अभी दीपावली के एक दिन पहले, जबकि हमारा पंचायती बंटवारा है, पुश्तैनी मकान है। मेरे द्वारा 2-3 बार थाने में जाया गया, पुलिस को सूचना दी गई, बताया गया, दरोगा मेरे साथ गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे भाई की औरत ने मेरा कॉलर पकड़कर मेरी बेइज्जती किया और मैं वहां से चला आया। 2-3 बार पुलिस के पास जाने के बाद मैं हतोत्साहित हो गया, उसके बाद मैं लौट गया। एक बार आया यहाँ SP साहब के यहाँ, यहाँ मैंने एप्लीकेशन दिया तो एडिशनल SP साहब SP साहब के बिहाफ पर उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करके CO साहब के यहाँ भेज दिए। अब CO साहब के यहाँ से क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ये मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। अब मेरे घर में सारे साक्ष्य होते हुए अवैध रूप से कब्जा करा दिया गया, ये कानून की धज्जियाँ उड़ाना है। क्योंकि मैं कानून का पालन करने वाला आदमी हूँ तो मैं झगड़ा नहीं कर सकता। मैंने जीवन भर कानून का पालन किया है, 40 साल 10 महीने पुलिस की नौकरी किया है, सिपाही से भर्ती होकर सब इंस्पेक्टर से रिटायर हुआ।